योगेश सारे खतरनाक टेक रखना ठीक है। हेट यू योगेश। अरे कोई है जो माइक लगाए या स्टैंड अप कॉमेडी करूं? चैनल का नाम क्या है अपना? द मोटर माउथ। मस्ती में, नो सीरियस, मस्ती। सर टोको ना मुझे। आप मुझे बिग बॉस में एंट्री दे सकते हैं प्लीज? और देखो तुम जानती हो बिग बॉस में एंट्री लेना इतना आसान नहीं है। देखो ये मस्त है एकदम, सामने एकदम शीशा है। अगली बार मैं उधर बैठूंगा, शीशा इधर घुमाओ। एक्शन बोल दो। करने देना मेरे को थोड़ा पैसा आ रहा है। कट कर। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ ना, उनकी आवाज आपने बहुत बार सुनी होगी क्योंकि आपका फेवरेट शो जो कार्टून नेटवर्क पे आता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस, उसमें सारी कैरेक्टर वॉइसेस वो करते हैं। कैन यू बिलीव इट, सारी की सारी। एंड आज पहली बार कोई मेरे चैनल पे मेरे लिए कुछ लेकर आया है। चॉकलेट, सो स्वीट ऑफ हिम। ही इज मिस्टर संजय केनी। हेलो सर। हेलो। हाय सर। कैसे कर लेते हो इतनी सारी आवाजें? कुछ करके दिखाओ ना ऑगी वाला। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ऑगी बना है कॉफी का दीवाना। अच्छा है। सुबह सुबह कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। और आज की कॉफी तो मैं सोनल कौशल के साथ पीऊंगा। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अगर अकेले कॉफी पी तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसके कॉफी के मग को उठा ले, उठा लिया रे बाबा। इसका कॉफी, दूध, शक्कर, बिस्किट भी उठा लिया मैंने। टेंशन नहीं लेने का, कॉफी पीवानू, मस्ती करवानू, बोले तो मजा नहीं लाइफ। आओ, अगर किसी ने कॉफी के मग को छुआ तो हो जाएगी उसकी थक टिक थक टिक। आओ। वाओ, इतनी सारी वॉइसेस बैक टू बैक, कैसे शुरू हुआ था ये सिलसिला? वेरी फर्स्ट वॉइस मैंने निकाली थी 10वीं कक्षा में, वो थी शक्ति कपूर। आओ ललिता। वो तभी से जस्ट एक मजे के हिसाब से करता था। लेकिन प्रोफेशनली जब आपने टीवी के लिए वॉइसेस करना शुरू किया वो क्या था, फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था आपका? गोविंदा जी की फर्स्ट एड आई थी। हाँ, गोविंदा जी बहुत बिजी थे तो उन्होंने कहीं से मुझे ढूंढ लिया। कैसे project. कैसे था सर? इट वॉज फॉर रूपा फ्रंटलाइन। ओके। गोविंदा जी ट्रेन में खड़े, भीड़ भरी, उसमें था हीरो, धक्का क्यों दिया? मैंने धक्का दिया? मारा मैंने धक्का दिया, तुझे पसंद नहीं तो तूने क्यों लिया? कमाल है, ये हीरो इतनी तकलीफ में भी आराम में है। रूपा है मेरे पास। मैं हीरो मगर हीरो नंबर वन रूपा फ्रंट लाइन, क्योंकि ये आराम का मामला है। तो सर ये तो गोविंदा की बात, उसके बाद आपने कोई क्रिकेटर को भी आवाज दी है क्या? या मैंने सचिन तेंदुलकर के लिए किया था। अच्छा। और वो डिफिकल्ट था क्योंकि डबल रोल था। सो इट वाज लाइक दैट कि मेरी जिंदगी में दो तरह के चैलेंज आते हैं, जब ब्लू में होता हूँ तो चाहिए बिजली सी तेजी, और जब व्हाइट में हूँ तो भरोसेमंद जैसे ढाल। पर कामयाबी तभी मिलती है जब ब्लू और व्हाइट एक साथ मिल जाए। क्या बात है सर, आपको ये डायलॉग्स याद है। अच्छा अभी सर लेटेस्ट एक फ्लिपकार्ट की एड आई है और मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखा था। गाइस गो एंड फॉलो हिम ऑन द सोशल मीडिया इफ यू हैवंट, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपने फ्लिपकार्ट की एड में अरशद वारसी की आवाज दी है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। इस बार फ्लिपकार्ट वाले हिरानी फिल्म्स को अप्रोच हुए थे, तो उन्होंने किया कि इस बार हम लोग मुन्ना सर्किट पे बनाते हैं। ओके। सो उनका फॉर्मेट तो आपको मालूम है कि जब बच्चों को बड़े लोगों का गेटअप देके उनकी वॉइस में करते हैं। करेक्ट। So they were just finding की सर्किट की वॉइस कौन करता है, तो just they found me and they approached me and it was really fantastic working. भाई गफूर ने हफ्ते के नाम पे चिल्लर दिया ना भाई। अरे चिल्लर छोड़, सुपर कॉइन कलेक्ट कर सर्किट। सुपर कॉइन बोले तो, और कलेक्ट कैसे करने का भाई? भाई बोले तो खर्चे में भी कमाई। अरे तुम तो MBBS से CA बन गए ला भाई। सर इतने बड़े बड़े डायलॉग्स आप याद कर लेते हो, लेकिन अब मैं आपको ऑन द स्पॉट डायलॉग देने वाली हूँ। अरे और वो होने वाला है टंग ट्विस्टर। आर यू रेडी? ओके लेट्स ट्राई। अलग अलग वॉइसेस में। हाँ ओके। तो सबसे पहले शाहरुख खान की आवाज एंड द टंग ट्विस्टर इज खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां,
खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खिड़की खड़कती किंग खान मैन। अब नेक्स्ट है आमिर खान की आवाज में, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके okay. उत्तरी उत्तरी पीतल के पतीले में I'm perfectionist, you know? sorry. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। करेक्ट। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ। क्या बात है, awesome। अभी next, sir next है अशोक कुमार की आवाज़। आगे cool cool। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूँछ ऊँची ऊँट की। मुझे पता है सर इसमें भी चीटिंग करेंगे और स्लो स्लो बोलेंगे, पर बेटा तुम जानती हो मैं, मेरी उम्र हो चुकी है, ये टंग ट्विस्टर इतना फास्ट नहीं बोल पाऊंगा, पता था मुझे। हर बार थोड़ी सांस लेनी पड़ेगी। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंच की, ऊंच की ओटरी, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, अरे ओए, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ, वन मोर, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची, ऊंट की। So the next one is for Mr. Prem Chopra ji. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई, वो भी प्रेम से। अच्छा सर, आपने बहुत सारे लाइव शोज तो किए ही हैं जैसा कि हमने मेंशन किया, तो उसमें कोई ऐसा मोमेंट रहा कि वो आप कभी नहीं भूल सकते? इसमें दो मोमेंट्स हैं। अच्छा। जब मैंने किसी फिल्म स्टार के साथ लाइव शो में ऑन सेम स्टेज परफॉर्म किया है। ओके। पहले तो शाहरुख खान साहब, उनके साथ मैं गया था टूर पे, सिंगापुर मलेशिया टूर था, तो मैं उन दिनों एक्टर वॉइस ही करता था जैसे कि मैंने कहा, तो शाहरुख खान के सामने शाहरुख खान की वॉइस पेश करना सर डिफिकल्ट थिंग है। शाहरुख सर ने मेरी वॉइस सुनी और ही अलाउड मी टू परफॉर्म, और वेरी नेक्स्ट डे जब शो था सेकंड शो, तो उन्होंने खुद स्क्रिप्ट लाया एंड ही सेड कि मैं मेरा डांस एक्ट परफॉर्म करूंगा एंड देन मैं ऑडियंस को बोलूंगा कि इसके बाद मैं एक डायलॉग सुनाने वाला हूं आपको, सो मैं नहीं बोलूंगा, तुम पीछे से शुरू होना और देन आई विल इंट्रोड्यूस। अरे वाह, इट वाज फैंटास्टिक थिंग फॉर मी। और दूसरा मौका आता था जब फिल्म स्टार नाइट ही थी, सलमान खान, अक्षय कुमार और गुलशन ग्रोवर जी उस शो को एंकर कर रहे थे। okay. और मेरे मिमिक्री एक्ट में गुलशन ग्रोवर साहब की वॉइस का भी एक चंक था। अच्छा। तो आई परफॉर्म दैट चंक और फिर गुलशन जी पीछे से आए एंड देन ही सेड कि क्या मैं ऐसे बोलता हूँ? मैं ऐसे बोलता हूँ क्या? पिताजी मैं पास हो गया। ओ माय गॉड। देन मैंने तो एक सेकंड की तो टेंशन हो जाता है, बट आई उनकी वॉइस में उनको भी देखा, मैं बोला कि मैं जानता हूँ इनका नाम बिच्छू है, बिच्छू। सांप का काटा तो मर जाता मगर बिच्छू का काटा मरता नहीं, तड़पता रहता है, गन्ना चूस कर। वेरी हैप्पी, अच्छा लगा उनको। तो सर अब मैं आपको एक डायलॉग देने वाली हूँ और वो डायलॉग है डॉन फिल्म का, द वेरी फेमस डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, वो वाला डायलॉग है। और सबसे पहले आपको मुझे बताना कि असरानी साहब अगर बोलते तो कैसे बोलते? अटेंशन, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाह। और अगर ओम प्रकाश जी करते तो? जय हो राधे श्याम की, जय कन्हैया लाल की। भाई डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बहुत मस्त था सर, ये कोई बॉडी लैंग्वेज है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अच्छा अगर अनुपम खेर जी करते तो? अच्छा, डॉन डॉन डॉन, किस डॉन की बात कर रहे तुम? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर सैफ, सैफ होते? वाह,
डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाओ अजय देवगन। ओह, जिसके बाजू अबे है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बहुत आसान है, जो करके दिखाएगा बाजीराव सिंघम। अच्छा सर, आपने धूम फिल्म में भी एक्टिंग की है। उड़ाते बोलो भाई, उड़ाते। अली भाई की बाइक जमीन पे नहीं चलती, हवा में उड़ते भाई। है ना, मतलब एक्टिंग, मिमिक्री, वॉइसिंग, कितना कुछ करते हो। और अभी रिसेंटली आपका एक वीडियो वायरल हो गया था टैलेंट तड़का पे जो था। हाँ। उसके बारे में बताओ कुछ। टैलेंट तड़का का ओनर जो है योगेश, जो हमारी वीडियोस एडिट करते हैं, हमारे वीडियो एडिट करते हैं, ठीक से एडिट करना ये वीडियो। सो उसने वो बहुत दिनों से पीछे लगा था कि ऑगी एंड कॉकरोच का कुछ डालो क्लिप्स, तो मैंने उस दिन मजाक में एक 3 मिनट क्लिप डाल दिया था उसके लिए। उसने टैलेंट तड़का पे डाला यूट्यूब पे, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने उसको लाइक किया, कॉमेंट्स आए अच्छे अच्छे। आई थिंक इट्स लाइक 10 मिलियन व्यूज इन जस्ट 5 मंथ्स। Guys, I'm going to put the link in description. Talent Tadka का जो लिंक होगा, प्लीज गो एंड चेक आउट द चैनल। उसमें भी वॉइस आर्टिस्ट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं। हड्डी, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे? नहीं, ये लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, सुपर लाइक करेंगे। ओ, बढ़िया है। लेकिन हड्डी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कई सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्हें क्या कहना चाहोगे? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो अभी कीजिए, वरना हम सोशल मीडिया पे नहीं आपके सपनों में आके भी आपको डराएंगे। मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच।